टुडे वी विल स्टार्ट एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। आपने लास्ट क्लास में मैक्सिमम मिनिमम किया, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सारे ही टेस्ट किए, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए। नाउ टुडे वी विल डू एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। सबसे सिंपल है और इसका आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है। सपोज ये आपके पास कोई ग्राफ है एक्स वाई, ठीक है, कोई कर्व इस टाइप से कर्व आपके पास, ठीक है, ये कोई कर्व है। यहाँ पे आपके पास कोई क्लोज इंटरवल है, दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट। नाउ दिस इज योर ए पॉइंट, तो एफ ऑफ ए आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी। ठीक है, यहाँ से देखने से हमें पता चले कि ए पॉइंट पे इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू है और बी पॉइंट पे क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू है ना। तो हमें ये देखने से पता चल रहा है, लेकिन अगर हम कोई ए पॉइंट यहाँ सी कंसिडर करें, यहाँ पे आपको सी है, कोई ए पॉइंट डी कंसिडर करें, तो ये क्या है एफ ऑफ डी। अगर हम इतनी कर्व कंसिडर करते हैं, सिर्फ इतनी कर्व के इस पार्ट को, तो हमारे पास एफ ऑफ सी क्या है मिनिमम। अगर इतनी कर्व को कंसिडर करें तो एफ ऑफ डी क्या है मैक्सिमम पॉइंट वैल्यू है हमारे पास। लेकिन अगर हम क्लोज इंटरवल ए बी की बात करें तो आपके पास एफ ऑफ ए जो है वो आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है और एफ ऑफ बी क्या है आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर। अब इसके स्टेप सबसे सिंपल रहते हैं, करना कुछ भी नहीं है। आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसे जीरो के इक्वल पुट करना है, आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी। आपने चेक कर लिया कि आपके इस क्लोज इंटरवल में कितनी वैल्यूज लाई कर रही है। सपोज जैसे आपके पास 0 से 2 इंटरवल दे दिया, ठीक है, और फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, क्या आएगा 2x-1। आपने इसको 0 के इक्वल पुट करना है तो आपके पास एक्स स्क्वेयर कितनी आ गई 1/2। आपने इस वैल्यू को देखना है, आपके इंटरवल के बीच में लाई करनी है 0, 1/2 और 2। इस थ्री वैल्यूज आ गई, दीज आर क्रिटिकल वैल्यूज। आपने क्या करना है फिर फंक्शन के अंदर 0 पुट करना है, फंक्शन के अंदर 1/2 पुट करना है, फंक्शन के अंदर भी 2 पुट करना है। फंक्शन पे 0 पुट करेंगे हम, हमारे पास क्या आंसर आएगा 0। 1/2 पुट करेंगे, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 - 1/2, वी गेट 4, 2 - 1 - 1/4। फंक्शन के अंदर 2 पुट करेंगे, 4 - 2 यानी कि 2, यानी कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 2 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है 0। तो आपने सारी वैल्यूज पे इंक्लूडिंग दीज 2 वैल्यूज, इन दोनों वैल्यू को इंक्लूड करके आपने सारी वैल्यूज को करके देखना है। जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है, वो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। जो सबसे स्मॉल वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आएगी। सबसे सिंपल कंसेप्ट है इसका। क्लियर। फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसे 0 के इक्वल पुट करना है, फिर आपने अपनी वैल्यूज को चेक करना है। सपोज यहाँ पे आपके पास -1 भी आ रहा है, तो आप इस -1 को कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि ये इस इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा। कंसेप्ट समझने वाला है। अगर यहाँ पे कोई भी 2 वैल्यूज आ जाती है 1/2 और -1, तो आप -1 को कंसिडर नहीं करेंगे, -1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा। क्लियर। तो आपने सिर्फ वही वैल्यूज को कंसिडर करना है जो इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है। फिर आपने 1/2, 0, 2 सब करके देखना है। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। क्लियर। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस। आपके पास फंक्शन गिवन है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है,
माइनस वन कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस वन आ जाएगा, आपके पास सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन और टू एक्स माइनस वन। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल टू करेंगे, आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस वन और यहाँ से वन बाई टू। क्लियर? आपके पास एक्स की वैल्यूज क्या आएंगी, प्लस माइनस वन और वन बाई टू। अब आप एक चीज देखिए, क्लोज इंटरवल जीरो पॉइंट में माइनस वन डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो कोमा टू, तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज को चेक करने हैं हमें, जीरो, वन बाई टू, वन और टू, या आपके पास फोर वैल्यूज आ गई। यहाँ से हमने वन लिया, वन बाई टू लिया और जीरो टू लिया, आपने ऐसे एंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे बेटर रहता है। अब फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, आपने इन वैल्यूज को कहाँ पुट करने, क्वेश्चन में पुट करके देख रहे, आप ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके देखिए, एफ ऑफ जीरो फाइंड कर लें, एफ ऑफ वन बाई टू फाइंड कर लें, एफ ऑफ वन फाइंड कर लें और एफ ऑफ टू फाइंड कर लें। हम डायरेक्ट वैल्यूज देख लेते हैं इसकी, जीरो पुट करने पे वन आएगा, वन बाई टू पुट करने पे आपके पास 39/16 आता है, 39/16, और वन पुट करने पे कितना आएगा, 3 - 2 - 6 + 6 + 1, ये कैंसिल, 3 - 2 1, 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया, और एफ ऑफ टू पुट करने पे आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 21। क्लियर? तो हमने इसलिए नहीं करती थी, हमने वो अपने आप से फाइंड कर ली, बाकी हमने देख लिया कि क्या आंसर आता है इसका। तो आपके पास ये वैल्यूज आ रही है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो हमें नजर आ रही है कौन सी है, 21। तो फंक्शन इज हैविंग एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट पॉइंट 2 एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 21। अपनी यही लिख लें, एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज एट पॉइंट 2 एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 21 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 0। क्लियर? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 0, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 1 एट 0। क्लियर? नाउ कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं साइन कॉस के फॉर्म में। सबसे सिंपल कांसेप्ट है ये आपको इस चैप्टर का, सबसे सिंपल एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। आपके पास फंक्शन है x प्लस साइन x, इंटरवल है आपके पास 0 < x < 2π। ठीक है, आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, कितना रहेगा, 1 + cos x। आप cos x इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 1 + cos x को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो cos x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब आपके पास 3 वैल्यूज आ गई, 0 x 2π। अब हम क्या पुट करेंगे, f ऑफ 0, f ऑफ 5, f ऑफ 2π, f ऑफ 0, 0 प्लस साइन 0, साइन 0 0, आपके पास आंसर कितना आ गया, 0। साइन में ये होता है ना आपके पास 0π 2π। अब देखिए पाई पुट करेंगे, पाई प्लस साइन पाई, पाई प्लस साइन, साइन 180 तो 0, तो सिर्फ आंसर कितना आ गया, पाई, 2π प्लस साइन 2π, अगेन साइन 2π 0, कितना आ गया, 2π। अगेन आर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 2π एट पॉइंट 2π एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 0 एट पॉइंट 0। क्लियर? क्वेश्चन सिंपल है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही है, 2 मिनट का काम होता है करने का। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसकी कर सकते हैं। डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स,
cot x equal 1, cot x equal 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 5/4, आपके पास कितनी वैल्यू आ गई 0, 5/4 एंड 1, 0, 5/4, 5, अब करते हैं हम, f of 0, f of 5/4, f of 5, f of 0, sin 0, cos 0, sin 0, 0, cos 0, 1, तो आपके पास कितना आ गया 1, 45, sin 45, 1/2, plus 1/2, equal है 2/2, we get √2, clear, f of 5, sin 180, 0, cos 180, cos 180 का ग्राफ क्या होता है, ये, 0 से 2π, ये हो गया 5, cos 180 कितना रहेगा माइनस 1, sin 180 0, cos 180 माइनस 1, तो आपके पास क्या आ गया माइनस 1, अब देखो इसके अंदर जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो क्या है माइनस 1, 8.5, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है √2, √2 का क्या वैल्यू होती है 1.414 समथिंग कैसे होती है, तो वो किस पॉइंट पे है 5/4, ये आपके पास सिंपल सी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लिखती हूँ, ये आपने सॉल्व करके मुझे देना है, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, आपकी जब भी आप वीडियो देखेंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर दें, इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कब आपने ये क्लास को अटेंड किए। फंक्शन है आपके पास cos square x plus sin x, और इंटरवल है 0 से 5, आपको इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करके जब भी आप ये क्लास को देखेंगे अटेंड करेंगे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करके